What a fantastic moment here. An actor, he's an entrepreneur who's got lots of fashion boutiques. So, SC personality. Hello! Coming toss time, and before beach for the toss off this second match in also English language films. He's also a famed producer. He's also an entrepreneur who's got a lot of bonus. Hey. Cricket on a wheelchair. Kamal ki concept aur organizers ko, NGO ko, footman ji ko dobara baat dena chahunga ki you know aise initiative hame lena chahiye. Bhagwan ne bahut kuch diya hua hai aur hum khelte khelte rehte hain, lekin inki aap agar energy dekhenge aur unki spirit dekhenge to shayad hame bahut kuch seekhne ko milta hai. इसलिए जब मुझसे कहा गया कि ऐसा एक टूर्नामेंट हो रहा है, वो भी बांग्लादेश और इंडिया के बीच, तो मुझे लगा कि मेरा यहाँ होना बहुत ही ज़रूरी है. मेरा हमेशा मानना है कि ज़िंदगी में हमें ज़िंदगी ने हमें और ऊपर वाले ने हमें इतना कुछ दिया है. अगर हम किसी भी तरह से इनके लिए और उन अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए कुछ कर सके तो बहुत बड़ी बात है.
ओके सर, जैसे कि देखा कि बहुत इंस्पायरिंग होता है अगर ऐसे लोग जैसे डिसेबल लोग होते हैं वो भी गेम खेलते हैं। आई थिंक स्पेशली एबल कहते हैं हमें, डिसेबल नहीं कहते, लेकिन बट यस स्पेशल। जिसे सर नॉर्मल क्रिकेटर को पैसे नहीं मिलते उतने डिसेबल को नहीं मिलते, फिर उनको कुछ ध्यान देना चाहिए। आई थिंक ध्यान दे रहे हैं, अच्छे लोग ध्यान दे रहे हैं, अगर मीडिया ऐसे और फैलाए तो और फोकस रहेगा। मैं अपनी एक एनजीओ चलाता हूँ सेव द चिल्ड्रन इंडिया के नाम से, और बहुत काम करते हैं हम लोग, स्पेशल बच्चों के लिए टूर्नामेंट भी लगाते हैं जहाँ महाराष्ट्र से कम 18-19 टीम्स आते हैं। तो आई थिंक इस बार भी महीने डेढ़ महीने में हम वो ऑर्गेनाइज करेंगे, और उनकी उत्साह देख कर ही हमें मन करता है कि नहीं यार हमें भी कुछ करना चाहिए उनके लिए और कुछ। तो वैसे ही इंडिविजुअल जब आगे आते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है ज़िंदगी में हमेशा देखकर भूल जाओ, लेकिन जब आप कुछ एक्सेप्ट करते हो उसको कभी भूलो मत। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखें, और हर इंसान किसी न किसी कॉज से जुड़ा रहे तो आई थिंक बहुत कुछ हो सकता है। बिना दूसरे क्या करते हैं वो देखे, अगर हम खुद करें तो वो बेहतर रहता है। सर कभी कभी पॉलिटिकल रीजंस के लिए स्पोर्ट्स पर्सन या आर्टिस्ट को बैन किया जाता है, मतलब एक मैच के लिए या एक क्रिएटिव मीडियम के लिए, क्या कहना चाहेंगे, वो कितनी दुखी बात है? आई मीन डिपेंड्स, आज अगर आप पॉलिटिकली बात करो और अगर आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो जो हुआ उनको भुगतना पड़ा, लेकिन हर एक से गलती होती है तो कहीं ना कहीं हमें माफ़ भी कर देना चाहिए। अगर हमें जेन्युइनली लगता है कि ये दोबारा उनसे नहीं होगा तो हमें माफ़ भी करना चाहिए, सिचुएशन देखकर करना चाहिए। और पॉलिटिकली हम फ्रॉम अ मीडिया पर्सपेक्टिव अगर उसे कंट्रोल किया जाए देन अपने आप पॉलिटिक्स स्टेज आउट ऑफ स्पॉट। सर बायोपिक का दौर चला रहा है, देखा जाए तो संजय दत्त की बायोपिक बन रही है, अगर आप पे बने तो सुटेबल एक्टर कौन होगा आपके हिसाब से? मेरी आपका की लायक नहीं है लेकिन संजय दत्त की बायोपिक बन रही है, और आई थिंक रणबीर से बढ़िया और कोई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं रणबीर के पिक्चर्स भी देखो तो लगते ही है वो संजय दत्त इन हिज हेड। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं टीम को, दोनों टीम को मेरी शुभकामनाएं है, जो आज मैच हो वो भले इंडिया की तरफ या बांग्लादेश की तरफ हो, लेकिन हमारी दोनों टीम को मेरी शुभकामना है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो है ऐसा है कि गवर्नमेंट इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये इनके जो आगे के लिए फ्यूचर के लिए, और इनके ऊपर ध्यान अगर दिया जाए तो आज हम जैसे लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे। तो अगर मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को इनको हेल्प करना चाहिए, ये जो है वो ऊपर वाला सपोर्ट कर रहा है पूरी फिल्म इंडस्ट्री इसके अंदर, और इंडस्ट्री के लोगों ने इसके साथ में हमारा बहुत जोरों से सहयोग दिया है, और मैं चाहता हूँ कि वैसा ही सपोर्ट जो है हमारे सरकार की तरफ से इनको दिया जाए, ये मेरी सरकार से मांग है। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं एक क्रिकेट प्लेयर रह चुका हूँ, और पूरे शरीर से खेलना और ऐसे व्हील चेयर पर खेलना, और ये तो समझ से ही बाहर है, और इतना, और दोनों टीमों के लोग को मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ। और सर के बारे में क्या कहेंगे, जो मतलब ये इनिशिएटिव है जो अपनी तरफ बहुत बढ़िया, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है इससे बढ़िया नहीं है, और ये मैडम ने जो सारा किया है एक अलग सी चीज़ है। मैम बताइए कितना कितनी ज़्यादा प्राउड फीलिंग आ रही है कि इस तरह का इनिशिएटिव कर रहे हैं, काफ़ी नॉवल कार्य करना हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये जो चीज़ है बहुत ही डिफरेंट है, जो आज तक क्रिकेट जो खेली गई है उससे ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हम आज इतने का मतलब हमें ये मौका मिला है कि हम इसको प्रूव कर सकें। सुनील शेट्टी जी ने हमारे इस टीम को, हमारे इस नेवड़ा भाई को, इनके फाउंडेशन को बहुत सपोर्ट किया है, और कल का जो टीम है, कल की टीम में मिस्टर संजय दत्त हमारे को सपोर्ट करने आ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सलाहकारों ने हमको सपोर्ट किया है, नेवड़ा भाई को सपोर्ट किया है, और इसीलिए हम लोग ये सब इन लोग के लिए कर पा रहे हैं, और इन लोग के लिए करना बहुत ज़रूरी है। नेवड़ा भाई ने कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया है, भगवान उनके साथ है। मैच जो नॉर्मल इंसान के लिए सपोर्ट करना एक बहुत बड़ी बात नहीं, इनको सपोर्ट करना ये हौसलों की जंग है, इनके हौसलों को हमारा सलाम है, और इनके हौसलों को हमारा सलाम।